चलो शाबाश, चलो भी नालायक। क्या जबरदस्त घोड़ा है उमर। जख्मों पर नमक मत छिड़को, बेहिस ना बनो। यहां और कितनी देर रुकना होगा हमें? मुझे क्या पता यूसुफ, हो सकता है वजन ज्यादा हो। वजन कम होता तो कौन सा उड़ के जाता। अब ये बताओ हम करेंगे क्या उमर? कुछ तो करना होगा हमें। उमर ये कितना वजनी है। ना शुक्रे मत बनो यूसुफ, शुक्र अदा करो। होता है कभी कभी ये भी करना पड़ता है। हाँ हमसे सामान उठवा लिया और अब खुद भी चलकर आ गए। मैं गोदाम खोलता हूं। मैं आता हूं यूसुफ। सब खैरियत तो है उमर? वो महल वाली लड़की याद है तुम्हें? उसके पास से जो तस्वीर गिरी थी वो उठा ली थी मैंने। तो उस तस्वीर में जो आदमी था वो मुझे अभी नजर आया था, उसी के पीछे गया था। तो फिर उस बेचारी की याददाश्त चली गई है, सब कुछ भूल चुकी है। अगर वो मुझे मिल जाता तो उस लड़की की मदद हो जाती, शायद उनका कोई ताल्लुक है। देखो मेरे भाई, अगर वो आदमी उसका शौहर हुआ तो क्या फिर भी उसकी मदद करोगे तुम? ले आओ बेटा। कैसे हो समीर अफंदी? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? तुम मुझे नहीं जानते मगर मैं तुम्हें जानता हूं। तुम एक सहाफी हो और सुल्तान के खिलाफ लिखने का बहुत शौक है तुम्हें, तो इस वजह से मेरा ताकुब कर रहे थे। क्या तुम्हारा सुल्तान ये समझता है कि वो मुझे डरा देगा? मेरा कलम फौलाद से बना है, टूटेगा नहीं। तुम्हारा कलम फौलाद का हो सकता है लेकिन ये उंगलियां नहीं समीर अफंदी। आज के बाद तुम अपने मजामीन में सुल्तान का कोई जिक्र नहीं करोगे, समझे? ख्याल रखना। तहसीन पाशा, जो खबर सुनी है वो सच है क्या? जी हाँ मलिका। वालिदा बैठ जाइए। ये कैसे मुमकिन है पाशा, किसने किया? सुल्तान ने जिस लड़की पर रहम करते हुए इस महल में उसे पनाह दी थी, उसी ने सुल्तान मौज़म को जहर दे दिया। अब्दुल कादिर, जहर उसी के कमरे से बरामद हुआ। नहीं नहीं, ये काम उसका नहीं हो सकता। उसने तो एक कबूतर की जान बचाने के लिए पूरा दिन दुआ में गुजार दिया था। मतलब कि वो सारा का सारा खेल हमें बेवकूफ बनाने के लिए था। उसने एक कबूतर की जान बचाते बचाते हमारे शहजादे को अपने जाल में फंसा लिया। तो बेजान सनीहा सुल्तान, ये वक्त इन बातों का नहीं है, खामोश हो जाइए। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते? सुल्तान का आखिरी हुक्म यही था कि कोई अंदर ना आए। सनिया सुल्तान दुरुस्त कह रही हैं। वैसे भी हादसे को वक्त गुजर चुका है, बहुत घंटों बाद आई हैं आप। लगता है आजकल काफी मसरूफ है मोहतरमा। बस करें, बस करें, यहां मेरे बाबा की जान खतरे में है, खामोश हो जाएं। दुआ करें उनके लिए।
तुम क्या हर वक्त उस लड़की के बारे में ही सोचते रहते हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे उससे मोहब्बत हो गई? मैंने सिर्फ उसकी मदद की है यूसुफ। ये बातें छोड़ो उमर, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि वो आदमी कहीं उसका शौहर ना हो। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई, हमें उसे तलाश करना ही होगा। इस तरह गलियों में उसे तलाश करने का कोई फायदा नहीं। अगर वो लिबॉन कैफे आता है तो उसे हमें वहीं देखना चाहिए, समझे?